तो जब ये बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ मुझे तोड़ना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को तोड़ना चाहते हैं। तो मैं इमरान खान की ताकत हूँ, कमज़ोरी नहीं। मैं और इमरान खान साहब, हम दोनों इस मुल्क की खातिर, इस पाकिस्तान की खातिर हर तरह की कुर्बानी देंगे। और जेल, आज मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि आज जेल में हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी खातिर। उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। अगर एविडेंस की बात की जाए, खान साहब हमेशा कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेजेस जिसने चुराई वो 9 मई का मनसूबा साज है। और इसीलिए बारहा का कि हमने जो जुडिशल कमीशन है वो बनाने के हवाले से दरख्वास्त दायर की हुई, तो वो आज तक क्यों नहीं वो दरख्वास्त लगाई जा रही। और हम कह चुके हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन हुई उसकी दरख्वास्त क्यों नहीं लगाई जा रही। और हम बारह कह चुके हैं जो धांधली डाका डाला गया मुल्क के अंदर कि छुट्टियों के अंदर भी लगा दी जाए जहां पर जजेस भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो मुल्क के हवाले से जो आवाम का मसला है, जो जमहूरियत का मसला है, जो मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती का मसला है, आज लोगों को अगवा किया जा रहा है वो मसला है, उसके ऊपर कोई सदबाब नहीं है, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। तो वो वाजह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हम हमेशा ये क्लेम करते रहें, डिमांड करते रहें कि मेहरबानी फरमा के वो लगाए जाएँ। और जो 5 तारीख है, 5 तारीख को जलसा जो है वो सवाबी में इंशाल्लाह बड़े धूम से और बड़े पुरजोश तरीके से एक बुलंद बड़ा क्राउड जो है आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान को, हम ये बड़ा वाज़े तौर पर मीडिया की तवज्जो से कहना चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान उसमें शामिल हो। और खान साहब का ये वाज़ा हुक्म है कि पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं उनको दावत दी जाए, पूरे पाकिस्तान से लोगों को जो है वो कहा जाए कि वो पहुँचें। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये 5 तारीख मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। ये केपी और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर जलसा होने जा रहा है। और दूसरे जलसे का भी मैं यहाँ पर अनाउंस कर दूँ कि 13 तारीख को इस्लामाबाद में इंशाल्लाह ताला जलसा जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ करने जा रही है। 13 तारीख को अभी मेरी बात हो रही थी उमर अयूब साहब से, तो हमने कोर्ट में भी यही इस्तदा की कि 13 तारीख को हमें जलसे की इजाज़त दी जाए। 22 तारीख का वो कहते हैं इंतज़ामिया वाले कि 22 तारीख आपको देते हैं हम इजाज़त, लेकिन हमने उन्हें कहा है कि हमने एक शेड्यूल बनाया है 14 अगस्त को देखते हुए, तो 13 अगस्त को हमें इजाज़त दी जाए। हमने जलसा करना है क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने खुद कहा कि इजाज़त है, लेकिन इन्होंने जानबूझकर ऐन मौके के ऊपर सिर्फ हमारा प्रोग्राम ख़राब करने के लिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि 2 दिन के अंदर डिसाइड किया जाए, अगर डिसाइड नहीं करते तो जुम्मे को दोबारा जो है, यानी कि 1 जुमे के लिए उन्होंने डेट दिया है कि आप आएँ, और अगर आपने फ्रेश दरख्वास्त देनी है या जो भी आपको ग्रीवियंस हैं वो आप लेकर आएँ और हम उसके ऊपर सुनवाई करेंगे। तो हमारा किसी सूरत, हम वाजिया कहना चाहते हैं कि 22 तारीख को हम नहीं जलसा करेंगे, हम करेंगे जलसा 13 तारीख को, और हम बताएंगे कि ये जगह है, इसके ऊपर हमने जलसा करना है और हर सूरत जलसा होगा। इसके अलावा मैं आपको वाजिया कहना चाहता हूँ कि जो बात चल रही थी कि जमात इस्लामी के धरने को ज्वाइन करने के हवाले से कि आप जाकर ज्वाइन करें, आज खान साहब से जो हमारी मुलाकात जारी है 6 लोग वहाँ पर भी मौजूद हैं, तो ये भी मज़ीद डायरेक्शन जो है इस हवाले से आएंगी। लेकिन जो अलाइंस है हमारा, अलाइंस क्योंकि अलाइंस के ज़रिए हम चल रहे हैं, तो उसके सरबराह हैं अचकज़ई साहब, तो अभी जो बात हमारी डिस्कस हुई है उसमें यही है कि हमने उनको कहा है कि आप जो है वो वहाँ पर जाने, जो धरना दिया गया है उसको ज्वाइनिंग के हवाले से आप बात आगे बढ़ाएं। डेफिनेटली जब आपने किसी धरने को ज्वाइन करना होता है, पॉलिटिकल एक्टिविटी को ज्वाइन करना होता है, तो आप पहले बातचीत करते हैं तो फिर ही आप जाकर बैठते हैं। ये नहीं होता कि आप गए उनको पता नहीं है वो उठ जाएं और आप उधर बैठे हों, तो ये एक तरीकाकार होता है। उस तरीके से हम जाकर उनसे जो हमारा अलाइंस है वो बात करेगा और आपके सामने सारी चीज़ आ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे रऊफ हसन साहब और हमारे जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो स्टाफ था, कोई चाय बनाने वाला था, कोई खाना बनाने वाला था, कोई वहाँ पर क्लर्क था, कोई स्टेनो था, कोई फोटोग्राफर था, तो उनको जो उठाया गया था, जो उनके ऊपर कहा गया कि ये दहशतगर्द हैं, जो उनके ऊपर कहा गया कि यहाँ से एक सेल बनाकर पूरी दुनिया में वो अकाउंट्स के ज़रिए ट्वीट्स जाते हैं,
वहाँ से जो है कंपेन की जाती है, इनका कलदम तंजीमों के साथ अलग है, ये पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं, ये फौज के खिलाफ बातें करते हैं। आज उन तमाम लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह बेल जो है कन्फर्म हो गई हैं, और ये उनके मुंह के ऊपर तमाचा है जिन्होंने ये झूठा मुकदमा बनाया। जब अदालत में मुकदमा गया है तो वहाँ पर कोई एविडेंस एक चीज़ नहीं पेश कर सके, कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं पेश कर सके, कोई एक व्हाट्सएप की कोई स्क्रीनशॉट, कोई ऐसी दस्तावेजी सबूत, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई रिकॉर्ड नहीं ला सके कि इनका किस तरह से तअल्लुक मंसूब किया जाता है। ये PMLN, ये पीपल्स पार्टी, ये फार्म 47 वाले जो रात दिन लगे हुए थे ट्रॉलिंग करने हुए कि वहाँ पर सेल बना हुआ है, दहशतगर्दी फैला रहे हैं मुल्क की, मुल्क के खिलाफ, पूरी दुनिया में दहशतगर्दी की यहाँ से दास्तान उठती है, तो उनको मैं वाजिया कहना चाहता हूँ कि हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। आप डाका डाल के आए हैं, आइन को डीरेल करके आए हैं, अब सेनेट के अंदर और असम्बली के अंदर, और आप वो बिल पास करवा कर आप ये चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का 8-5 का आर्डर था, जो सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेज ने ये कहा था कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ वजूद उसका ख़त्म नहीं और मौजूद है, आप उस हुक्मनामे को चैलेंज कर रहे हैं, डीरेल कर रहे हैं, उसको आप वाजह तौर पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नहीं मान रहे, और आप उस हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए ये तरामीम ला कर आप चाहते हैं कि मखसूस नशस्तें जिस जमात का हक थी, जिस जमात को आवाम ने वोट दिया था, उससे छीन कर आप चाहते हैं कि वो सीटें आपको दी जाएं। शर्म की बात है, पहले आपने डाका डाला फार्म 47 के तहत, फिर आपने मखसूस नशस्तों के लिए आप कटोरा लेकर गए, और अब जब सुप्रीम कोर्ट को आप कहते थे कि वो फैसला दें और हम अमल करेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और आप जो हैं वो भाग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, और चाहते हैं कि आइन को अपने मुताबिक आप चलाएं। हम किसी सूरत नहीं चलने देंगे, जो भी आप तरमीम लेकर आएंगे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, और उसके ऊपर हम उस जो आप एक्ट के अंदर तरमीम करेंगे उसको हम चैलेंज करेंगे। हमारी लीगल कमेटी की उसके ऊपर पूरी नज़र है, पूरी मुशावरत है, और हम उस हवाले से अपना पूरा लयामल बनाकर बैठे हुए हैं। आखिर में सोशल मीडिया के हमारे एक्टिविस्ट, हमारे MNAs, हमारे जितने सोशल मीडिया चलाने वाले या कोई नहीं चलाने वाले, उनको अगवा किया गया है, आज तक किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, अदालत ने 12 कहा कि पेश किया जाए। कौन है अगवा करने वाला, कौन है जो MNAs को कॉल करता है? एक हमारे MNA ने कहा कि मुझे कॉल आई, हमने पूछा कि क्या कॉल आई, उसने कहा कि उन्होंने एक नामालूम नंबर से कॉल आई और उसने कहा कि आप आ जाइए, तो मैंने कहा जी किधर आ जाइए, कहते हैं जी कि मैं फलां फलां जगह से बोल रहा हूँ तो आपको आना पड़ेगा, जो नामालूम लोग करते हैं। तो उसने कहा जी कि मैं तो वो जो 41 वाले हैं उनमें शामिल नहीं हूँ, क्योंकि 41 के हलफनामे जमा होने थे ना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, तो उसने कहा कि मैं तो वो शमूलियत वाले में से हूँ नहीं, तो मैं तो पहले ही ECP की तरफ से डिक्लेयर किया जा चुका है कि मैं MNA हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम 41 वालों से हो, उसने कहा जी कि मैं तो वो 41 वालों में शामिल नहीं हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है फिर तू रहने दे, तेरे आने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा उसने उसे कहा कि ठीक है तू ना, ये तो हमने 39 वालों को हमने उठाना है और उसको उनको करना है, हमने तो उनको थ्रेट करना है। तो इस तरह से हमारे लोगों को थ्रेट्स किए जा रहे हैं। हाजी इम्तियाज़ को मुकाबले में जो मंडी बावलदीन से हमने एक मुकाबले में उसे छीना गया है और छीन कर नामालूम जगह पर ले गए हैं। हम किसी सूरत ये नहीं होने देंगे, और आप ये समझें कि हम पीछे हट जाएं या हम अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं, या आप समझें कि हम बात ना करेंगे, हम सवाल करेंगे, हम टैक्स देते हैं, हम इस मुल्क के शहरी हैं, हमें सवाल करना है, आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना होगा, आप नहीं भाग सकते, ये पूरी कौम आपसे सवाल करेगी और आपको हर सवाल का जवाब देना होगा। ये शऊर वाले लोग हैं, इनमें शऊर है, इनको शऊर इमरान खान ने दिया है और ये शऊर कोई छीन नहीं सकता। इंशाल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में पूरी पार्टी मुनज़्ज़म है और इंशाल्लाह ताला ये हमारी जो जदोजहद है लीगल पैरा के अंदर जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया।